यहाँ चलेगा तीर और धनुष और ढलमुंगरा, यहाँ नहीं चलेगा बाहरी लोगों के यहाँ हवाबाजी नहीं चलेगा। हेमंत सोरेन जो जो चीज को बोले आज करके दिखाएं। ये नौटंकीबाजी जो जुमलाबाजी हो रहा है ये सब नहीं चलने वाला है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, आप जीएन भारत देख रहे हैं और हम इस वक्त जो है रांची के पंडरा बाजार समिति के समक्ष जो है बाहर यानी प्रांगण के बाहर उपस्थित है और ये हम नज़ारा हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से ये जो इंडिया गठबंधन के जो नेता और कार्यकर्ता जो है उनमें उत्साह की लहर है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अबीर और गुलाल जो है उड़ाए जा रहे हैं, यानी ये साफ तौर पर जो है आज जो नतीजे यहाँ से सामने आ रहे हैं इस नतीजे से जो है लोग खुश हैं और कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन जो है वो काफ़ी खुश नज़र आ रहा है। हम खिजड़ी की बात करें या हटिया की बात करें या अन्य जगहों की बात करें तो सब जगह जो है कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन लीड करता हुआ नज़र आ रहा है, बढ़त मिलते हुए नज़र आते हैं। तो इस वजह से आज यहाँ पर लोगों का हुजूम जो है उमड़ पड़ा है। चलिए अब लोगों से बात करते हैं, कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, नेताओं से बात करते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। आज जनता जान रही है कि किसको वोट देना है। आखिर बीजेपी ने सिर्फ एक अफवाह किया है, उसके अलावा तो कुछ दिया नहीं है। 15 लाख रुपया, आप एक पत्रकार है, आप भी इस चीज़ को जान रहे हो कि 15 लाख रुपया सबके खाते में आज तक आया किसी के खाते में? नहीं आया। इतना नौकरी का किया, आज तक किसी को नौकरी दिया? नहीं दिया। हेमंत सोरेन जो जो चीज़ को बोले आज करके दिखाएं। बिजली बिल दिए आपको, माफ हुआ 200 यूनिट का, फिर देखिए जो लोग का पेंशन रुका हुआ था वृद्धा लोग का, उन लोग को देने का काम किए। प्रशासन का जो पेंशन था उनको देने का काम किए। आपका अबुआ आवास देने का काम किए। ऐसे बहुत गिनती भूल जाएंगे कि कितना काम किए हुए हैं हेमंत सोरेन, जिसके कारण आज जनता को सपोर्ट मिला और जनता हेमंत सोरेन जी को वोट किए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, महागठबंधन की 5 साल का जो कार्यकाल था, उन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल बाखूबी पूरा किया और उस 5 साल के कार्यकाल में गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, किसान के लिए, सब के लिए काम किया और उसी का नतीजा है कि फिर से आज महागठबंधन की सरकार झारखंड में बनने जा रही है। और हम बता देते हैं आपको कि काके विधानसभा में पिछले 40 साल से भाजपा का रोज, 35 साल से जो राज था वो किला ध्वस्त हुआ है और वहाँ से भी कांग्रेस से सुरेश कुमार बैठा जी जो हमारे बड़े भाई है और वो जीत रहे हैं भारी मतों से। ये नौटंकीबाजी जो जुमलाबाजी हो रहा है ये सब नहीं चलने वाला है। हमारा झारखंड में तो खास करके नहीं चलेगा। वो आपका असम के मुख्यमंत्री आए थे हेमंत बिस्वा, वो यहाँ नफरत का बीज बोना चाह रहे थे। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक होकर रहते हैं और एक बात करना जानते हैं। वो अपना असम वहाँ वो चला नहीं पाएगा। इंडिया अपना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाँ, हम लोग का जीत फाइनल हो गया। हाँ, सुरेश बैठो, जिंदाबाद। ये जो अभी जो नतीजा देखने के लिए मिल रहा है उस जनता का शेर ये है कि जनता ने मेहनत की है, जनता ने मेहनत की। और क्या पूछना चाह रहे हैं आप? इस बार मतलब फिर से हेमंत सरकार। हाँ, इस बार फिर से हेमंत सरकार। बीजेपी तो बड़े-बड़े दावे कर रही है। बीजेपी बड़े बड़े कहाँ, हेमंत तो भी शर्मा कहाँ भाग गए और ये शिवराज चौहान, ये योगी जी, ये राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ आए थे। सभी लोग उड़न खटोला बहुत उड़ाए, ठीक है। यहाँ झारखंड में झारखंडी जनता सबको ठेंगा ढेलमुंगरा दिखा के सबको भगा दिए, सबको भगा दिए। यहाँ पर यहाँ चलेगा तीर और धनुष और ढेलमुंगरा, यहाँ नहीं चलेगा बाहरी लोगों के यहाँ हवाबाजी नहीं चलेगा। यहाँ हेमंत बी शर्मा कितना आया, कितना वो अपना एड़ी चोटी चुक कर दिया, लेकिन यहाँ के जनता ने उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो ये पंडरा बाजार समिति के समक्ष जो है यहाँ पर नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है और कहीं ना कहीं ये जो इंडिया गठबंधन के जो नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है और इनमें साफ खुशी देखी जा रही है। जिस तरह से बढ़त मिलती जा रही है वैसे वैसे खुशी जो है दोगुनी हो रही है और कहीं ना कहीं ये एक दावा भी कर रहे हैं कि कहीं इस बार जो है फिर से हेमंत सरकार वापस झारखंड में बनने वाली है।
हालांकि देखने वाली बात है कि रुझान जो है लगातार सामने आ रहे हैं, रुझानों में कहीं ना कहीं फर्क पड़ सकता है, लेकिन अभी तक के जो रुझान है कहीं ना कहीं महागठबंधन के पक्ष में है। तो जीएन भारत के लिए रांची से मोहन कुमार। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।